का समाचार के अरे फटाफट मेरा मैं हूँ आपके साथ मानसु शर्मा। प्रदेश के 15 जिलों में 2 दिन के लिए हुआ रेड अलर्ट और 8 जिलों में हुआ ऑरेंज अलर्ट। बता दें कि 47 तक जा सकता है पारा। पेयजल भी संकट में गहराया। हरियाणा में आए 35 नए केस। कुल कोरोना संक्रमितों का हुआ आंकड़ा 1087। करनाल में पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। धमाके से उड़ी छत। एक व्यक्ति की हुई मौत और बच्चा घायल। देश विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए होना पड़ेगा क्वारंटाइन। बता दें कि 7 दिनों तक खुद के खर्चे पर ही होना होगा क्वारंटाइन। शराब घोटाले में भूपेंद्र और जसवीर शराब घोटाले की बनाती थी योजना और जितेंद्र और जयपाल देते थे इसे अंजाम। बकुल भूपेंद्र उनका कहना था कि शराब घोटाले से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और खाकी पर भी उड़ाए हैं लाखों। स्वर्ण मंदिर की रसोई में रोजाना 12,000 जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है खाना। अब्दुलगढ़ में मिले कोरोना के 2 और नए केस। बता दें कि झज्जर जिले में अभी तक 3 केस हैं एक्टिव। झज्जर में 1,73,352 टन गेहूं, 4,09,503 टन सरसों की हो चुकी है खरीद। बेरी में वाहनों में हुई भिड़ंत। बाइक सवार की हुई मौत और दूसरा हुआ घायल। बहादुरगढ़ में बिना मास्क लगाए बेवजह घर से बाहर घूमने पर आरोपियों को किया गया काबू। बहादुरगढ़ में गर्मी ने छुआ आसमान। जी हां, बता दें कि 44 डिग्री टेम्परेचर किया गया नोट। और भी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए जुड़े रहे समाचार के साथ और दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।